नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। खबर शुरू होने से पहले आज की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने वापस लिया फैसला, निवास प्रमाण पत्र और आधार की बाध्यता हुई खत्म। राजधानी लखनऊ में भी खुली शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। शाहजहांपुर में हुई मां बेटे की हत्या, धारदार हथियार से काटा गया गला। बरेली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त, आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बरेली पुलिस ने एम्बुलेंस वालों पर कसा शिकंजा, ज्यादा किराया लेने के आरोप में 3 गिरफ्तार। अलीगढ़ में सीओ ने नवनिर्वाचित प्रधान और बीडीसी के साथ की बैठक, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। उन्नाव में 16 डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, उच्च अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप। अचानक खेतों में लगी आग, आग लगने से किसानों का हुआ बड़ा नुकसान। दुकान में पड़ा मिला व्यापारी का शव, उन्नाव के बांगरमऊ में मचा हड़कंप। सपा सांसद आजम खां के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर उठी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आज से 18 से 44 साल वालों के लिए कोवैक्सीन नहीं, 100 सेंटर हुए बंद। सुरेश रैना के बाद अब सोनू सूद ने की हरभजन सिंह की मदद, पहुंचाया रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना संक्रमित होने के 6 महीने बाद ही लगवाएं वैक्सीन, सरकारी समिति ने की सिफारिश। इसराइल का जोरदार पलटवार, हमास के 11 कमांडरों को किया ढेर, संयुक्त राष्ट्र ने दी जंग की चेतावनी। अलीगढ़ में सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना को लेकर बैठक जारी। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील कुमार की तलाश में जुटा खुफिया विभाग, हरिद्वार के एक आश्रम में छुपे होने की आशंका। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, राज्य में प्रवेश के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। दिल्ली में मुफ्त मिलेगा 72 लाख लोगों को राशन, जल्द जारी होगा नया आदेश। देश में जल्द शुरू होगा 2 से 18 उम्र वाले लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। सुनील गावस्कर ने कही बड़ी बात, भविष्य में अच्छे कैप्टन बन सकते हैं ऋषभ पंत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा आए मामले, 4,120 लोगों की हुई मौत। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, 27 मई तक के लिए बढ़ा सख्त हुए नियम। घर घर टीकाकरण करने से अनेक लोगों की बचाई जा सकती थी जान, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा हलफनामा। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत से 18 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण रुका। इस वक्त के लिए इतना ही, ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।